राधा ऐसी बावरी मुरलीधर के चरण की आस, छलिया मन ही ले गयो अब किस पर करूं विश्वास। ओम देवकी नंदनाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मार्गशीर्ष मास में भगवान कृष्ण की पूजा जो भी भक्त सच्चे मन से करता है, अटूट श्रद्धा और विश्वास रखकर भगवान कृष्ण की कहानियां सुनता है, कहा जाता है कि भगवान कृष्ण का आशीर्वाद उन पर और उनके परिवारजनों पर सदा बना रहता है। कहते हैं कि मानो तो भगवान है और ना मानो तो पत्थर। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी एक ऐसे ही सच्चे भक्त की कहानी, जिसकी वजह से भगवान को स्वयं मूर्ति में साक्षात भगवान का रूप लेकर आना पड़ा था। उन्होंने अपने भक्त की पुकार किस तरह से सुनी, आखिर कैसे भगवान ने अपने एक भक्त को झूठ बोलने के बाद भी बचा लिया। अगर आप भी सुनना चाहते हैं ये कहानी तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कृष्ण भगवान की जय जरूर लिख दीजिएगा। एक बार एक राजा ने अपने राज्य में भगवान कृष्ण का एक विशाल भव्य मंदिर बनवाया और उसमें पूजा करने के लिए एक पुजारी को भी नियुक्त कर दिया। अब पुजारी जो थे वो पहले से ही बड़े कृष्ण भक्त थे। अब तो पुजारी जी बड़े मन से चारों पहर अपने कान्हा जी की सेवा करने लगे। बड़े प्रेम भाव से उनकी सेवा करते, उन्हें भोग लगाते, उनका श्रृंगार करते। इस प्रकार कान्हा जी की पूजा पाठ और उनकी सेवा करते हुए पुजारी की उम्र बीतने लगी। राजा जिसने वहां मंदिर का निर्माण करवाया था वो हर दिन नियम से कान्हा जी के दर्शन करने के लिए आता, लेकिन मंदिर में पहुंचने से पहले वो अपने एक नौकर के साथ एक फूलों की माला भेज दिया करता, जिसे वो पुजारी पहले भगवान को पहनाते और फिर जब राजा दर्शन करने के लिए आते तो आशीर्वाद स्वरूप वही माला भगवान के गले से उतार कर राजा को पहना देते। इस प्रकार राजा के और पुजारी जी के दिन बीत रहे थे। एक दिन की बात है, राजा जो है वो किसी कारणवश मंदिर में नहीं जा पाया। अब उसने अपने सेवक से हर दिन की तरह माला भिजवा दी और पुजारी को ये संदेशा भी भिजवा दिया कि आज हम मंदिर नहीं आ पाएंगे, इसलिए सेवक के हाथों ही ये माला हमारे लिए भिजवा दीजिएगा। अब सेवक माला देकर और संदेशा कहकर मंदिर से चला गया। पुजारी जी ने हर दिन की तरह अपने कान्हा जी को वो माला पहना दी। अब पुजारी जी ने कान्हा जी को माला तो पहना दी, लेकिन उनके मन में एक विचार भी आया। सोचने लगे, मुझे भगवान की सेवा करते हुए एक बहुत लंबी उम्र बीत गई, लेकिन मैंने आज तक ये माला नहीं पहनी जो मैं भगवान के ऊपर से उतार कर राजा को पहनाता हूँ। अब सासों का क्या भरोसा, कब जान चली जाए। अगर आज कान्हा जी ने खुद ये कृपा करी है तो क्यों ना ये माला मैं आज खुद ही पहनकर देख लूं। ऐसा सोचकर पुजारी जी ने वो माला भगवान के गले से उतार कर खुद पहन ली और ये सोच लिया कि जब नौकर आएगा तो उसे अपने गले से उतार कर ये माला मैं दे दूंगा। अब भगवान के गले से उतारी गई माला को पहनकर पुजारी जी तो धन्य हो गए, बड़े प्रसन्न हुए और मन ही मन भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद करते रहे। तभी अचानक बाहर से पुजारी जी ने आवाज सुनी कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। अब जब पुजारी जी ने ये बात सुनी तो वो घबरा गए। अचानक सेवक की आवाज सुनकर राजा के ऐसे अचानक आ जाने से पुजारी जी बहुत घबरा गए। अब उन्होंने सोचा, कहीं राजा ने मुझे ये माला पहने हुए देख लिया तो बहुत क्रोधित हो जाएंगे और हो सकता है मुझे सजा भी दे। ऐसा सोचकर पुजारी जी ने वो माला अपने गले से निकालकर फिर से कन्हैया जी को पहना दी। सिर्फ राजा के क्रोध से बचने के कारण पुजारी जी ने वो माला तो भगवान को पहना दी, लगे पश्चाताप भी करने। सोचने लगे कि ये तो मुझसे बहुत भारी पाप हो गया, भगवान के गले की माला मैंने खुद पहनी और अपने गले की माला निकालकर फिर से भगवान को पहना दी, ये तो मुझसे बहुत पाप हो गया। लेकिन दूसरी तरफ पुजारी जी को राजा के क्रोध का भी डर था। अब पुजारी जी मंदिर के एक कोने में खड़े हुए राजा का इंतजार कर रहे थे। तभी राजा मंदिर में आ गए और फिर पुजारी जी ने भगवान के गले की माला उतार कर राजा को पहना दी। अब जैसे ही राजा ने अपने गले में वो माला पहनी, उसे माला में एक सफेद बाल दिखाई दिया, जिसे देखकर राजा को सारी बात समझ में आ गई। राजा समझ गया कि ये माला जरूर पुजारी ने पहले खुद पहनी है और अब जब मैं आ गया तो मुझे भी यही माला पहना दी, इस पुजारी ने मेरे साथ छल किया है। ऐसा सोचकर राजा को गुस्सा आ गया। अब राजा ने पुजारी से पूछा कि एक बात बताइए, इस माला में सफेद बाल किसका है। क्योंकि पुजारी जी भी बूढ़े हो गए थे और उनके सर के बाल भी सफेद थे। अब पुजारी ने जब ये सब देखा तो सोचा कि अगर मैंने अपना नाम ले लिया तो राजा तो मुझे सजा जरूर देगा।
इसलिए पुजारी ने जल्दी में कह दिया कि ये तो भगवान का बाल है। इस बात पर राजा को बहुत गुस्सा आया कि पुजारी झूठ पर झूठ बोल रहा है। अब भला मूर्तियों के बाल कब से सफेद होने लगे? इस पर राजा ने पुजारी से कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारी बात सच है तो कल मैं श्रृंगार करते समय आऊंगा और तब मैं देखूंगा कि भगवान के बाल काले हैं या सफेद, क्योंकि जब भगवान का श्रृंगार किया जाता है तो उनका मुकुट भी उतारा जाता है और मुकुट उतारते समय बाल दिख जाते हैं। अगर भगवान के बाल काले निकले तो हे पुजारी, मैं तुझे इस पाप के लिए मृत्युदंड दूंगा। राजा ऐसा आदेश सुनाकर वहां से चला गया। अब राजा के जाते ही पुजारी हाथ जोड़कर भगवान के सामने प्रार्थना करने लगा, कहने लगा, हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि मैंने आपके सामने झूठ बोलने का अपराध किया है और ये बात आप भी जानते हैं। अपने गले में डाली हुई माला मैंने फिर से आपको पहना दिया। हे प्रभु, मैंने पहली बार ऐसा लालच किया और मेरे ऊपर इतना बड़ा संकट आ पड़ा। अब तो राजा मुझे मृत्युदंड अवश्य देगा। हे भगवान, आप ही मुझे बचा सकते हैं, नहीं तो कल राजा मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। इस प्रकार पुजारी सारी रात रोते रोते कान्हा जी की मूर्ति के सामने ही सो गया। उधर अपने आदेश के अनुसार अगले दिन जब राजा आया तो भगवान का श्रृंगार स्वयं करने के लिए कहने लगा। पुजारी जी ने जब ये बात सुनी तो वो डर के मारे एक कोने में खड़े हो गए। अब उनके मन में बहुत घबराहट थी कि कहीं मूर्ति के बाल काले निकले तो सारा सच सामने आ जाएगा। अब राजा ने जैसे ही ठाकुर जी का श्रृंगार करने के लिए उनका मुकुट हटाया तो वो ये देखकर हैरान रह गया, क्योंकि कन्हैया जी के यानी कि ठाकुर जी के सभी बाल सफेद थे। अब राजा को लगा कि पुजारी ने जरूर अपनी जान बचाने के लिए इन बालों को सफेद रंग से रंग दिया होगा। देखिए, राजा को अब भी यकीन नहीं आ रहा था। अब राजा ने बालों की जांच करने के लिए कान्हा जी की मूर्ति से एक बाल पकड़कर जोर से खींचा तो वहां से खून की धार बहने लगी। अब राजा ने ये देखा तो वो बहुत घबरा गया और कन्हैया जी के पैर पकड़कर उनसे क्षमा याचना करने लगा। अब राजा भी समझ चुका था कि इस मूर्ति में साक्षात ठाकुर जी बसते हैं। उधर पुजारी जी ने जब इतना बड़ा चमत्कार अपनी आंखों के सामने से देखा तो हैरान रह गया। अभी वे दोनों हैरान ही थे कि तभी मूर्ति से एक आवाज आई जो कि स्वयं कन्हैया जी की आवाज थी। कहने लगे, हे राजन, तुमने आज तक मुझे मूर्ति ही समझा, इसलिए मैं आज भी तुम्हारे लिए एकमात्र मूर्ति ही हूँ, लेकिन इस पुजारी ने मुझे साक्षात भगवान समझा है और उसकी श्रद्धा की लाज रखने के लिए ही और तुझे समझाने के लिए मुझे अपने बाल तक सफेद करने पड़ गए। तब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उधर पुजारी जी बड़े प्रसन्न थे कि आज भगवान ने उसकी लाज रख ली थी। कहते हैं कि भगवान कृष्ण आज भी अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, लेकिन जिनकी श्रद्धा और भक्ति सच्ची है केवल उन्हें ही। भगवान की मूर्ति को केवल मूर्ति मानकर ही पूजा ना करें। आपकी अटूट श्रद्धा और विश्वास अगर पूजा करते समय है तो फिर आपको किसी भी दिखावे की जरूरत नहीं। कहते हैं कि भगवान का आशीर्वाद सच्ची भक्ति से और सच्चे विश्वास से बड़ी आसानी से पाया जा सकता है। जिन्हें लोग लाखों करोड़ों का चढ़ावा चढ़ाने के बाद या लाखों करोड़ों का दान देने के बाद भी नहीं पा सकते। उम्मीद करती हूँ आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल पर हर दिन भगवान कृष्ण की लीलाओं की नई नई कहानियाँ मेरे चैनल पर सुन सकते हैं। अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।